आशु, तुमको मैंने त्रिभुज का पाठ करने के लिए कहा था, तैयार हो गया? नहीं दीदी। क्यों नहीं तैयार किया? दीदी समझ में नहीं आ रहा था। क्या समझ में नहीं आ रहा बेटा, ये तो बहुत आसान है। दीदी आपको समझ में आता है इसलिए आपके लिए आसान है, पर मुझे नहीं आता है इसलिए मेरे लिए कठिन है। दीदी मुझे भी बताइए। मैं तुम्हें समझा दूं? हाँ दीदी। अच्छा बताओ, तुमको मैंने क्या तैयार करने के लिए कहा था? दीदी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। अच्छा, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, ये तैयार करने के लिए कहा था। हाँ, ठीक है, मैं तुमको समझाती हूँ, ध्यान से समझना। सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं। ये इससे हम नेक त्रिभुज बनाया, ठीक है? क्या बनाइए? त्रिभुज। त्रिभुज बन गया, इसका नाम रख देते हैं त्रिभुज ABC, ठीक है ना दीदी? अब इस त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, है ना? ये कोण बनाया, इसका हमने नाम रख दिया कोण 1। एक हमने ये बनाया, इसका नाम रख दिया कोण 2, है? और एक ये बनाया कोण, इसका नाम रखा कोण 3, ठीक है? इसके बाद हम क्या करते हैं, ये रेखा AB है ना, इसके समानांतर एक रेखा हम और खींच देते हैं, ठीक है? हाँ दीदी। इसके समान समांतर रेखा खींच दी हमने। अब देखो इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, रेखा AB को दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा बढ़ा देते हैं। अब तुम यहाँ पे देखो कोण बन रहे हैं, जब समानांतर रेखा खींचते हैं हम, तो इस रेखा और इस रेखा के बीच में कोण बन रहा है। हाँ दीदी। इस कोण का नाम रख देते हैं हम कोण 4, ठीक, और इस कोण का नाम रखते हैं कोण 5, है ना? अब तुम एक चीज ध्यान से देखो कि इसमें जो कोण 1 है, त्रिभुज में कोण 1 है, ये कोण 4 के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये दोनों कैसे कोण है, एकांतर कोण है, है ना? हाँ दीदी। कोण 1 और कोण 4 एकांतर कोण है, इसलिए दोनों बराबर है, ठीक? हाँ दीदी। अब इसी तरह से कोण 2 किसके बराबर है? कोण 5 के बराबर है। कोण 2 बराबर है कोण 5 के। क्यों? क्योंकि ये भी एकांतर कोण है, ठीक? हाँ दीदी। ये देखो। हाँ दीदी। अब कौन सा कोण बचा? कोण 3 बचा, है ना? कोण 3 बराबर किसके होगा? कोण 3 बराबर कोण 3, क्योंकि बराबर है ही, है ना? हाँ दीदी। है ना? अब एक चीज को तुम ध्यान से देखो, क्या कि इन तीनों कोणों को ध्यान से देखो, कोण 3, 4 और 5 को ध्यान से देखो, ये क्या बन रहा है दीदी? 180 अंश बन रहा है ना, यानी कोण 3, 4 और 5 मिला के क्या हुआ? 180 अंश। इसको ऐसे लिखते हैं, कोण 3 धन कोण 4 धन कोण 5 बराबर कितना? 180 अंश, ठीक है? हाँ दीदी। अब एक चीज और ध्यान से देखनी है इसमें, कि देखो अभी हमने यहाँ पे सिद्ध किया था कि कोण 4 किसके बराबर है? कोण 1 के। और कोण 5 किसके बराबर है? कोण 2 के। और कोण 3 कोण 3 के बराबर है, है ना? तो कोण 3 की जगह हम कोण 3 ही लिख देते हैं, क्योंकि कोण 3 कोण 3 के बराबर है। हाँ दीदी। और कोण 4 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? कोण 1, क्योंकि दोनों बराबर है। हाँ दीदी। इसकी जगह लिख देंगे कोण 1। फिर बचा कोण 5, कोण 5 किसके बराबर है? कोण 2 के, है ना? कोण 2 के बराबर है, समझ में आ रहा है? हाँ दीदी। अब इन तीनों को मिला देंगे तो भी तो 180 हो जाएगा, हो गया? हाँ हो गया। हाँ दीदी। यानी कि कोण 1 कोण 2 और कोण 3 मिला के क्या हो गया? 180 अंश। और कोण 1 क्या है? त्रिभुज का अंतःकोण है। कोण 2 क्या है? त्रिभुज का अंतःकोण है। और कोण 3 त्रिभुज का अंतःकोण है, यानी इस त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना आ गया? 180 अंश। 180 अंश आ गया, समझ में? हाँ दीदी। आ गया ना? लेकिन दीदी त्रिभुज तो कई प्रकार के होते हैं। हाँ, कई प्रकार के होते हैं, मेरी किताब में लिखा है। लिखा है? हाँ लिखा ही होगा, कई प्रकार के त्रिभुज होते हैं बेटा। दीदी कई प्रकार के त्रिभुज का मतलब तुम पूछना चाहती हो कि हर तरह के जो त्रिभुज होते हैं उनके अंतःकोणों का योग 180 अंश क्यों होता है? हाँ दीदी। या होता है हर तरह के त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है? हाँ, ये जानना चाहती हूँ। हाँ दीदी। हाँ देखो बेटा, हर त्रिभुज जितनी तरह के होते हैं, हर तरह के त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, है ना?
देखो त्रिभुज जो है भुजाओं के आधार पे बांटे गए हैं और कोण के आधार पे, है ना। सबसे पहले हम तुझे बात तुम्हें दिखाते हैं, हमारे पास कुछ कोणों की कुछ त्रिभुज के कटे हुए टुकड़े हैं, है ना। हम तुमको दिखाते हैं कि भुजाओं के आधार पे कोण त्रिभुज कैसे होते हैं और कोणों के आधार पे त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, है ना। सबसे पहले हम तुम्हें दिखाएंगे कोण के आधार पे लेते हैं ना। देखो कोण के आधार पे त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है न्यून कोण त्रिभुज। क्या होता है न्यून कोण? न्यून कोण त्रिभुज में क्या होता है, एक कोण जो होता है न्यून कोण होता है। जैसे कि देखो ये न्यून कोण त्रिभुज है, इसका कोण क्या है, न्यून कोण है, है ना। ये न्यून कोण त्रिभुज है। और अधिक कोण त्रिभुज होता है दूसरा। अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण अधिक कोण होता है। इसमें देख रही हो ये वाला कोण अधिक कोण है, अधिक कोण है ना, तो ये अधिक कोण त्रिभुज हो गया। और तीसरा होता है समकोण त्रिभुज। कौन सा होता है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में एक कोण समकोण होता है। जैसे ये देख रही हो ये कोण समकोण है ना। तो ये हमारे तीन तरह के त्रिभुज हो गए कोणों के आधार पे। कोण के आधार पे त्रिभुज को कितने भाग में बांटा गया है? तीन भाग में। अब बचता है भुजाओं के आधार पे। त्रिभुज को भुजाओं के आधार पे भी तीन भागों में बांटा गया है। पहला होता है समबाहु। क्या होता है? समबाहु त्रिभुज कैसा होता है? समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती है। देखो ये और ये तीनों बराबर है ना। हाँ दीदी। तो ये समबाहु त्रिभुज हो गया, ठीक। इसके बाद दूसरा होता है समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर। इसमें देखो ये बराबर है और ये बराबर है, ये बराबर नहीं है, है ना। ये दोनों बराबर है तो ऐसा त्रिभुज क्या हो गया? समद्विबाहु, है ना। तीसरा होता है विषमबाहु जिसकी की कोई भी भुजा बराबर नहीं होती। जैसे देखो ये त्रिभुज है ना, इसकी ना ये भुजा बराबर है ना ये तीनों में से कोई भी आपस में बराबर नहीं है। तो इस तरह का त्रिभुज विषमबाहु होता है ना। तो ये जितने भी तरह के त्रिभुज है बेटा, है ना, ये सब त्रिभुज के हर तीनों कोणों का योग, इस त्रिभुज के भी हर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, है ना। कैसे होता है ये मैं दिखाती हूँ। देखो तुमको मजा आएगा, इसको हम लोग काटते हैं। देखो ये लेते हैं वाला त्रिभुज, चलो ये वाला त्रिभुज लेते हैं, इसको हम लोग काटते हैं इसके कोण को, क्योंकि हमको क्या सिद्ध करना है कि तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, ये सिद्ध करना है। तो इसके हम तीनों कोणों को काट लेंगे। फिर हम इसको व्यवस्थित करते हैं। काट लिया? अब इसको हम व्यवस्थित करेंगे। इस कागज पे इसको हटा देते हैं, इसको ऐसे देखो तो व्यवस्थित करके दिखाते हैं। ये देखो इसको हमने व्यवस्थित किया तो देखो एक सीधी रेखा में आ गया। ये तीनों कोण एक सीधी रेखा में आए कि नहीं आए? हाँ दीदी। ये तीनों कोण देखो एक सीधी रेखा में आ रहे हैं ना। हाँ दीदी। है ना, क्या बात है, वो धीरे बोल रही हो, थोड़ा तेज से बोलो, है ना। तब देखो 180 अंश हो गया ना। हो गया। हाँ दीदी। अब चलो एक त्रिभुज और काटते हैं। ये हमने कौन सा काटा था? अधिक कोण त्रिभुज काटा था। एक हम लोग चलो ये वाला त्रिभुज काटते हैं। तुमको पता चल जाएगा कि हर तरह के त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ये देखो काट लिया। हाँ दीदी। और ये इसका हमने तीसरा कोण भी काट लिया। काट लिया ना? हाँ दीदी। ये देखो इसको हमने ऐसे व्यवस्थित किया, तीनों कोणों को व्यवस्थित करने पे देखो क्या बना, ये तीनों जो है एक सीधी रेखा में आ गए। सीधी रेखा में आ गए ना। हाँ।